राजा बाबू कुमार का पटना टू रांची का फ्लाइट का टिकट जो कि अच्छा कुछ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा से यूट्यूब चैनल राजा ब्लॉग। दोस्तों हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? अरे बाप रे, आप लोग आज राखनी को बहुत ही याद कर रहे होंगे क्योंकि वो बगल में ऐसे खड़ी रहती थी, गुड मॉर्निंग बोला करती थी, है ना। तो हम ज्यादा बोलेंगे तो हम भी इमोशनल हो जाएंगे। ये तो रो रो के परेशान है रात भर से, है ना। तो सुहानी आज का प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, अभी सभी लोग सो करके उठ गए हैं। घर जो बिल्कुल सुना सुना लग रहा है, मौसम का नजारा आप लोग को दिखाते हैं। अभी तक टेंट जो बंधा हुआ है बारातियों के लिए, खरगोश और तोता यहाँ पे आराम से बैठे हुए आराम कर रहे दोनों के दोनों। हमारे गाँव का मौसम कुछ इस तरीके से है और धूप में बकरी बंधी उसको जो है खोल करके इधर ले आते हैं। ऊपर नहीं लाते क्योंकि सब लोग सोते हैं, इस वजह से कचरा फैला देती है बकरियाँ, इसलिए नीचे उसको बांध करके रख देते हैं। घास वगैरह दिया गया है फिलहाल के लिए। इधर देख सकते हो जो टेंट बांधा गया था बारातियों के लिए, अभी तक बंधा हुआ है। अभी जस्ट हम नहावा के बढ़िया से फ्रेश हुए हैं और सुहानी दीदी का हम इंतजार कर रहे हैं। यानी सुहानी अब दीदी हुई हमारे लिए, वो क्योंकि अब उसी से खाना वाना बनवाना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता वही साफ करेगी। तो भाई तेल कुड़ी तो लगाना उसी को पड़ेगा, तेल कुड़ी मतलब मक्खन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो जल्दी मानती नहीं, काम वम करती नहीं है, टीवी देखती है, पढ़ाई करती है, ट्यूशन जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। राखनी दीदी रहती थी तो घर का सारा काम कर लेती थी, उसको कहना भी नहीं पड़ता था, थोड़ा डांट दबार देती थी तो कर भी लेती थी। फिलहाल के लिए मम्मी अच्छा काम कर रही है। अभी मम्मी जी को बोले कि जाकर बकरी को जो है ले आओ ऊपर में, तो धूप में थी मम्मी लेकर के आ रही है। आज का सीन कुछ ऐसा है ना कि हम जो है फ्लाइट यानी हवाई जहाज़ का जो है सैर करने वाले हैं। यानी हमारे गांव में यानी हमारे मोहल्ले में एक तरह से कह सकते हो कि आज तक कोई भी जो है फ्लाइट से अभी तक जो है सफ़र नहीं किए हैं। बस हम ही हैं फर्स्ट टाइम जो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि वीडियोज़ में उतार करके दिखाए कि गाँव का लड़का जो है फ्लाइट में सफ़र करने वाला। फिलहाल के लिए मम्मी जो बकरी को यहाँ पर लेकर के चली आई ऊपर में। मम्मी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। और मम्मी जी का हम आशीर्वाद लेते हैं, खुश रहो मस्त रहो सब भाई। और एक चीज आप लोग कमेंट करते हो कि मम्मी पापा को चाय क्यों नहीं पिलाते, तो अभी गर्मी का मौसम ऑलरेडी वैसे भी आ गया है, चाय पिलाएंगे तो अलवल आ जाएंगे सब गरम गरम, तो चाय बनता है अभी कभी कभी, है ना। और ठंडी का मौसम से जो वाला इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। बाकी बच्चा लोग को आशीर्वाद दे दूँ मम्मी। खूब बच्चा लोग के कहते हैं जब फिर से हम चाय बनाएंगे पिएंगे, अब तो रागनी बहन है नहीं लेकिन सुहानी को अभी पढ़ाई चल रहा है दसवा को, अपने से चाय पिलाएंगे और सभी बच्चों को भाई बहन को हम अपना हाथों से पिलाएंगे, जरूर पिलाएंगे आशीर्वाद। हाँ, भरपूर आशीर्वाद मम्मी की तरफ से मेरी बेटा बेटी का है। हाँ। जो अपना जो काम काज में जो लगे रहेगा एकदम धकाधक एकदम चलते रहेगा। धका धक। और भाई को भी खाना खाए, आप खाना खाए, आप बढ़ाते रहिए, सबको आशीर्वाद है। खाना खाए नहीं खाए, खाए दीदी को बोले खाना निकाले, खाना खा लो। नूतन दीदी आपकी मम्मी है यानी हमारी बहन, जल्दी बुलाओ खाना निकालेंगे, बोलो कि नानी बोले खाना। दीदी जो है पैसा लेकर के आई है, दे दो ना हमको, दे दो हमको, नहीं दे दो ना। और वैसे भी हमको फ्लाइट का टिकट बुक करवाना है तो कम पड़ रहा है पैसा। तोरा फ्लाइट सुधाई छा, हमारा सब तरह से घूर अभी घूर रहा है पैसा वाला, टेंट वाला, हलवा जो खाना बनाया है रहा है। सब तो होगा ही ना, वीडियो बनाएंगे तब ना पैसा आएगा। आज अभी दाल चावल निकला हुआ, भुजिया बना हुआ, ये बरबट्टी का भुजिया ना मम्मी। जल्दी जल्दी मुंह खोलो सब बेटा बेटी सब भाई बहन, मम्मी आप लोग के खाना के लिए इंतजार कर रहा है। 5 दिन बाद हम ऐसा ऐसा व्लॉग अभी शूट कर रहे हैं क्योंकि शादी के माहौल को लेकर हम लोग बिजी थे बिल्कुल। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, आपकी प्यारी बहन सुहानी जो है आज बर्तन को धुलेगी, रागनी दीदी नहीं है तो हम बर्तन धुलवा दें, हो जाएगा ना, जाओ धुल दो। देखिए कितना क्या है कि हमारे यहाँ अभी साफ सफाई चल रहा था, मम्मी 1200 रुपया दी है जो बाथरूम का टंकी साफ करने आती है, इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा है, 1 रुपया खर्चा हो रहा है इसीलिए। और सारा कपड़ा को संजो करके रख रही है इतना रागनी को देने के बाद भी, देखिए इसमें भी कपड़ा रखा हुआ है, इसमें भी कपड़ा, सब में कपड़ा ही कपड़ा रखा हुआ है। और आज जो है रागनी दीदी से हो सकता है तो वीडियो कॉल बतियाएंगे शाम में, वैसे सवेरे हम बात किए थे तो कॉल की हुई, कह रही थी भैया कब आइएगा, तो अब 9 दिन पूरा होगा तभी तो रागनी दीदी को वहाँ से लेकर के आएंगे। तो फिलहाल के लिए हो सकता है दो चीज़ों का प्लान कर रहे हैं हम लोग, एक केक कटिंग करेंगे 2 लाख सब्सक्राइबर का, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर कब के हो गए थे, अभी 2.5 लाख से ऊपर हो चुके हैं। और एक हमें जाना है फ्लाइट का टिकट बुक करवाने के लिए, तो ये कन्फर्म नहीं है कि टिकट बुक करवाने जाएंगे कि नहीं, लेकिन हो सकता है तो जाएंगे ही। मिले ना आखिरी सांस चल रहे तैया तक के कब हमर भाई ऐसे बोला तरह की लगे छब बहिन से हर बात मजाक में लै छै ना रे ना ता सब लिखाई छै हिरदे पर
तो दोनों दीदी प्लान कर रही है कल निकलेंगी, क्योंकि दीदी का बड़ी दीदी का जो है कल टिकट है। और इधर देखिए दोनों हमारी भांजा भांजी जो है, यानी भांजी है, भांजा भांजी कहा जाता है, कल जो है दूल्हा दुल्हन बनी थी। पूरा दिन रात जो है टीवी देखती रहती, कार्टून देखती रहती। आप लोगों को सुना नहीं है? नहीं, नहीं सुना है। जब सो जब बहुत दोपहर हो गया जब। तो गाइस अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, 3 बज चुका है, यानी कह सकते हो इवनिंग भी हो चुका है। हमारा वीडियो अपलोडिंग होने का टाइम भी हो गया है, शेड्यूल पे पड़ा रहता है, वैसे भी अपलोड हो जाएगा। और मम्मी जी माने नहीं पैसा के लिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा पैसा लग रहा है, 2 से 3-4 हज़ार रुपये लग जाएंगे टिकट का। तो चलिए कोई नहीं, हमारे लिए तो हल्का है लेकिन मम्मी पापा के लिए बहुत ही बड़ा रकम होता है। ये क्यों होता है कि हम लोगों ने बहुत ही जीवन जो कष्ट में जिया है, एक एक रुपये हम लोगों ने जोड़ा है खाने पीने के लिए, अपने घर चलाने के लिए। आगे साफ सफाई चल रहा है, यहाँ पे दीदी बैठी हुई, दीदी थोड़ा बाइक निकल, हट गया ना बाबू, आप लोग उठो, उठ जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। तो भाई फिलहाल मम्मी जी को मना रहे हैं, अगर पैसा दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो 2500 में एडजस्टमेंट करेंगे, हो जाए फ्लाइट का टिकट, है ना। पैसा का बहुत इशू चल रहा है, रागनी दीदी का शादी हुआ, इधर उधर कर्ज लिया गया, लेकिन हमारा एक सपना है। हमने सोच रखा था कि रागनी दीदी का शादी हो जाएगा तो एक सपना हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक और सपना है फ्लाइट पे हमें उड़ने का। तो गाइस भी घर से बाहर निकल चुके हैं, और आप लोगों को बता दें कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर हमारी दुनिया, हमारे सब कुछ, हमारे जीवन, हमारा लाइफ बदला था। और इसी भगवान जी से हमने मन्नतें मांगी थी कि हमारे लाइफ को चेंज कर दीजिए, और यहीं पे आकर के रोया करते थे, वीडियोस बनाते थे उस साइड में धूप में इधर उधर दौड़ भर के। उस टाइम बहुत उदास हुआ करते थे, कहते थे प्रभु जी हमारे कभी तो किस्मत को बदल दीजिए। तो अभी जस्ट घर से मम्मी पैसा नहीं दी ना, तो थोड़ा मूड ऑफ सा हो गया, मम्मी को बोला हमने कि दे दो। चल कोई बात नहीं, मम्मी पापा अभी भी इतना बढ़ने के बाद भी साथ देते, फिर भी वो लोग अभी समझ भी नहीं पाते कि फ़्लाइट पे चढ़ना, उससे टिकट बनवाना, उन लोग को लगता है ट्रेन है, ट्रेन तो नहीं है ना, फ्लाइट फ्लाइट होता है, उसके लिए थोड़े बहुत तो पैसे लगते हैं। और मानते हैं कि घर पे बहुत सारी खर्चा हुए हैं, लेकिन इसी में निकाल करके जो है ना थोड़ा व्लॉग भी करना है, और मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, लोगों को कुछ दिखाना है कि हाँ वही गाँव का मोहल्ले का लड़का, नकारा लड़का, 12वीं फेल लड़का फ्लाइट में घूम रहा है, व्लॉगिंग कर रहा है, कुछ सपने को पूरा कर रहा है। तो बट 2500 रुपये हमारे पास हैं, और क्या ही बता, देखते हैं अगर उसमें टिकट हो जाएगा तो ठीक है कटवा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर पेमेंट आएगा तो वो भी पेमेंट मम्मी को देना होगा, क्योंकि घर में इतने सारे कर्जे ले रखे हमने। और बाबू की शादी के लिए, जैसा कि आपको पता है कि छोटी वाली बिटिया जो है रागनी की शादी हुई थी उसमें, तो चलिए कोई बात नहीं, जीवन होता रहता है, बट थोड़ा मन सैड सा हो जाता है कि मेरे जीवन का क्या होगा। आप लोगों ने कमेंट किया था कि एक चीज़ इम्पोर्टेंट, हाँ वो लास्ट में जब टिकट कट जाएगा तब आप लोगों से बात। तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं दुकान पे जहाँ पे फ्लाइट का टिकट काटा जाता है। ये रहे भैया जी, भैया जी नाम बताइए अपना। नैना प्रेम कुमार। और ये भैया जी भी हमारा ब्लॉग देखते हैं, आपका नाम? दीपक कुमार। तो अभी हमारा खुश नसीबी है कि थोड़ी देर बाद जो है फ्लाइट का टिकट कटने वाला, यानी आप लोग फ्लाइट का ब्लॉग देखने वाले हो। फाइनली हमारा टिकट जो है कट चुका है, और सर बता रहे हैं इसके बारे में डिटेल्स। जी पटना टू रांची का है जी, 11:50 में पटना से खुलेगी, 1 बजे ठीक है जी, 24 मई का है डेट आपका जर्नी का। जी जी ठीक है, आपका एक्चुअल अमाउंट है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जी, मेरा दुकान का नाम है जी, सब कुछ जितने भी कंपनी है ना सबका वहाँ पर रहता है काउंटर। हाँ ठीक, उस काउंटर पर जाइएगा, ये वाला दीजिएगा, वो आपको बोर्डिंग पास दे देगा जिसपे सीट नंबर आता है जी, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं लेना चाहते हैं हाँ, तो एक दिन पहले यहाँ जाइएगा, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ से भी आपको प्रिंट करके दे देंगे जी। उसका कुछ प्राइस होगा? कुछ नहीं, कोई प्राइस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये है राजा बाबू कुमार का पटना टू रांची का फ्लाइट का टिकट, जो कि 24 मई का है। 24 मई का है, और कितने देर में पहुंचाएगा यहाँ से? 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा। चलिए थैंक यू सो मच, और अपना दुकान, और ये हमारे लिए ना भैया एक सपना है कि बचपन से सोचते थे कि वीडियोस बनाकर पैसे कमाए और बाहर से कहीं उड़ के जाए, थोड़ा सपना सा लगता है लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अपना गाँव में जो है नॉर्मल लोगों के लिए है ना ये सब चीजें अचीव करना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच चुका है, और ये हमारे लिए खुशी का पल है। और मम्मी पापा को घर पे जाके बताते हैं कि फ्लाइट का टिकट कटवा चुके हैं। अपना पटोरी में जंक्शन यहाँ सामने पड़ता है, इधर से हमने टिकट कटवाया, यहाँ पे सामने दुकान पड़ जाता है, अगर जिन व्यक्ति को आना होगा कटवा सकते हैं आकर के टिकट के लिए। तो फिलहाल अभी सब्जी वगैरह लेना है, फिर घर निकलेंगे, फिर घर में बीच वाले चौर वाले रास्ते में जाकर ना खुशी जाहिर करेंगे आप।
फिलहाल पटोरी से आ चुके हैं अपने चौर वाले इलाके में और दिल की बातें शेयर करते हैं आप लोगों से अभी, क्योंकि हमने कभी भी नहीं सोचा था यूट्यूब जर्नी में या फिर कभी भी पैसे कमाऊंगा अपने लाइफ में, अपने तरफ से कभी भी अचीवमेंट करूंगा तो फ्लाइट में अपना उड़ान भरूंगा, क्योंकि हमारा एक सपना था कि अपने लाइफ में कभी आगे बढ़े, किसी भी तरह मेहनत करे। पहले सुना करते थे कि हवाई जहाज पे उड़ेंगे, हमारे गांव से हमारे घर से जो है ना ऊपर से छत के ऊपर से गुजर के जाया करते था हवाई जहाज, तो हम लोग चिल्लाया करते थे कि हवाई जहाज आ गया, हवाई जहाज आ गया इस तरीके से। लेकिन आज जो है हमारा सपना पूरा हो रहा है, वो भी आप लोग की बदौलत। और पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट हमारे पास करीबन 2500 रुपये हमारे अकाउंट में था और कुछ पैसे हमारे पास थे बैग में जो हम बचा कर रखा करते हैं, जैसे कि मम्मी वगैरह काम वाम के लिए देती हैं। और आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि भले मैं पैसे कमाता हूँ यूट्यूब से, लेकिन सारे पैसे अपने मम्मी पापा को दे देता हूँ और उसी तरीके से बच्चे बना रहता हूँ जैसे कि शुरू में रहता था, क्योंकि मैं फील करना चाहता हूँ कि हाँ मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरीके से मम्मी से 1-2 रुपये के लिए मांगता था, तरसता था, अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं मानता हूँ, शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ शो ऑफ करके मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, ये चीज़ें हमने अचीव कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ लाइफ में सादा जीवन जीऊँ। हमारे गर्दन पे गमछा ही सही तो गमछा ही रखेंगे, लेकिन अपना मान को रखे रहेंगे। हाँ भले हमारे गांव के लोग, हमारे अगल बगल के लोग नहीं समझते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होता है, वीडियोस बनाते हैं, इतना होने के बाद भी बताइए दूर दूर से लोग आते हैं, न्यूज रिपोर्टर आते हैं, इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, फिर भी हमारे गाँव के लोग समझ नहीं पाते कि हम कर क्या रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, यही हमारा जीवन है, यही हमारा संसार है और आप लोग के लिए हम मेहनत करते रहेंगे बस आप लोगों को क्या करना है, सपोर्ट करते रहना है राजा भाई को। आप लोगों ने सपोर्ट किया तभी तो आज जो है हवाई जहाज का टिकट अचीव कर पाए हैं, जाएंगे फिर वहां से वापस भी आएंगे, है ना। तो ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। तो करीबन करीब 5000 कुछ रुपये का पड़ गया, यानी 1 घंटे में चले भी जाएंगे, 1 घंटे में वापस भी हो सकते हैं, या फिर हमें रांची में कोई काम भी पड़ गया तो वहाँ रह भी सकते हैं। रांची से जो भैया लोग देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सब अचीवमेंट आप लोग की वजह से हो रहा है। और चले मिलते हैं घर पे, मम्मी पापा को दिखाते हैं क्या कौन है, देखे देखे देखे। तो गाइस अभी फिलहाल घर पे पहुंचे हैं, रागनी का वीडियो कॉल। अरे वाह, कहाँ कुछ बोल रहा है। हेलो हेलो, कहाँ नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। अरे मैं काम रहे ना बैलेंस से खत्म है हो रहा है सो। अच्छा अच्छा, काला कौन छो की बोला ये ना ही कौन है, एक बात की होते मेहमान खाला ना दिन की फोन कर ले करा के फोन रो रहा बेटा। अच्छा ना कान ना कान चुप है कि यहां कर धसाई ले नहीं रख सकती। रागनी रो रही है, बोल रही है कि मम्मी का और सुहानी का ख्याल रखने के लिए, बताइए आप लोग। अच्छा ठीक है, तू ठीक रह, खाना वाना खा ली है। हाँ ठीक, अच्छा कुछ नहीं, आलू पराठा बनवा लीजिए। अच्छा अच्छा, क्या कीजिएगा अब, नया जगह में तनी आदमी को एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, रहते रहते ना आदत होता है। अब कहाँ 4 दिन हो गए। हाँ बोलिए ना, आलू पराठा बना रहा। अच्छा तो आप काहे टेंशन ले रहे, देखिए गल गए आप, ठीक हो जाएंगे। हाँ तो थोड़ा दिन खाइए पीजिए, टेंशन मत लीजिए, अब जीवन है जिए अच्छा से अपना सब। अब सुहानी की बारी है बात करने की, कैसे हैं। 1100 रुपया मेरे आपस दिए मंगनी के, ठीक से रखना, सीधा रखना, मंगनी क्या करेंगे। आज रख लिए थे। हां दीदी प्रणाम, दई चुराम को कला रंग कला के नहीं चाहिए, कला रहना चाहिए। मामी और का नहीं जाओ, सब का नहीं जाओ, देखता देखता अभी घर पहुंच ही गए थे तो रागनी जी का वीडियो कॉल था और उनके मेहमान कॉल किए हुए थे तो रोने लगी बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि नया जगह ना थोड़ा बसने में उसको थोड़ा रहने में एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होता है, जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे तो रहने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता ही नया जगह पर, तो इसलिए बार बार इमोशनल हो जाती है। मम्मी उम्मी का ज़्यादा ख्याल रखती है पापा उपा का, तो फिलहाल फ्लाइट का टिकट जो कटवाए थे अभी तो मम्मी को हम दिखवा देते हैं, जिया जी को भी दिखा देते हैं। तो ये रहा टिकट, लो मम्मी फ्लाइट का टिकट, मम्मी पैसा नहीं दी फिर भी हम लेकर के आए, हमें नहीं पैसा नहीं था सच में, दूसरा आदमी से मंगाए, ATM में रहता था, हम मांगते हैं जबरदस्ती।
एक ही को टिकट जिया जी को दो, कितना का है दो, पढ़ेंगे दो ना, कितना का है जिया जी टिकट? दो चार रुपये। हाँ दो चार रुपया का। अच्छा फ्लाइट से कभी गए थे कि नहीं जिया जी आप? ना ना गए। कभी भी नहीं? राजस्थान कभी भी ना गया? इतना दिन से सफर गए कहियो नहीं? भाई इतना में हम सब का हो जाएगा है, हम सब चल जाएंगे ट्रेन। कितना है मम्मी को बताइए तो? 5,032 रुपये में। 5,032 रुपये का टिकट है, हवाई जहाज का टिकट है। कोई खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। आई होप गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। और रात में एक घटना हो गया था मेरे साथ, इतना ज़्यादा दस्त और उल्टी होने लगा ना कि हम बिल्कुल बेहोश होकर बाथरूम में ही गिर गए थे। फिर जैसे तैसे होश करके दीदी को मम्मी को सबको उठाया, तब आपका भाई जो है बच पाया, नहीं तो बिल्कुल शरीर जो है टूट गया, एकदम बेहोश ही हो गए थे। तो ऐसा आज लग रहा था कि आज ब्लॉग नहीं बना पाएंगे, हो सकता है कल ब्लॉग भी नहीं आ पाएगा। कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश रहेगा। अभी तक तबीयत हमारा ठीक हो जाएगा, दवा खा रहे हैं तो ब्लॉग आ ही जाएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिहार समस्तीपुर से देख रहे हो पूरा फुल सपोर्ट करो, अदर स्टेट से देख रहे हो पूरा का पूरा फुल सपोर्ट करो, बगल में इंस्टाग्राम में जाकर के फॉलो कर लो। बस अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कल जो है ब्लॉग जरूर आएगा, मेहनत करते रहेंगे, एक दिन भी अपना ब्लॉग को मिस नहीं करते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। बस जाइए, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें।